नमस्कार बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज जिला सीहोर से। आज हम कक्षा 12वीं के इकाई 11 के अल्कोहल, फिनोल एवं इथर के भाग 3 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानें, हम इस अध्याय में मुख्य बिंदु किन पर विस्तार से बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम जान पाएंगे अल्कोहल फिनोल बनाने की विधियां। कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से अल्कोहल और फिनोल के बनाने की विधियों में अनेक रासायनिक अभिक्रियां सम्मिलित हैं, जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारा आज का द्वितीय मुख्य बिंदु होगा औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल। इसमें प्रथम है मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल और दूसरा है इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। तो आइए हम चर्चा करते हैं अल्कोहल एवं फिनोल के बनाने की विधियों पर, और साथ ही हम जानेंगे कि हमारे औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल कौन कौन से हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम हम देखें अल्कोहल बनाने की विधियां। तो हमारे पाठ्यक्रम में जिन अल्कोहल बनाने की जिन विधियों पर विस्तार से बात की गई है, उसमें सबसे पहले है अल्कोहल बनाने की विधियों में एल्किनोस है। तो एल्किनोस से हम जब ये बनाना चाहते हैं तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी विधियां हैं जिनसे हम एल्किनों के द्वारा अल्कोहल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है अम्लीय जल योजन द्वारा, अर्थात अम्ल के द्वारा एल्किनों पर जल का योग जिन विधि में किया जाता है उसे हम अम्लीय जल योजन विधि कहते हैं। और दूसरा है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा, अर्थात इसमें हम हाइड्रोबोरिक के कुछ लवणों का उपयोग करके एल्किनों का ऑक्सीकरण करते हैं और अल्कोहल प्राप्त करते हैं। द्वितीय बिंदु में हम पहचानेंगे कि ऐसी विधियां जिसमें कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग करके अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरी विधि होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जैसा कि हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं और यह कितने प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, तो इसका आज अनुप्रयोग हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी अल्कोहल को बनाया जा सकता है। आइए हम आगे की बार विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्कोहल की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर एक एल्किनों से। एल्किन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें हम पहली विधि देखेंगे अम्लीय जल योजन द्वारा। एल्कीन तनु अम्ल की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में, अर्थात तनु अम्ल यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और जल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाता है। और यह क्रिया भी असममित एल्कीनों में मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार ही होती है। आइए समीकरण पर ध्यान दें। प्रोपीन CH3 एकल बंध CH, द्विबंध CH2 पर जब हम जलयोजन की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है और साथ ही H2O या बनने वाले अणु के लिए क्रियात्मकता को बढ़ा देती है। तो असममित अल्कोहल में यह जानेंगे कि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होती है वहां पर अल्कोहल का ऋणात्मक भाग अर्थात जल से प्राप्त OH समूह का योग होता है। इस प्रकार H2O में बना OH ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। अतः एल्किन या प्रोपीन से हमें 2-propanol प्राप्त हो रहा है। अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि में हम इस बात पर चर्चा कर पाएंगे कि एल्किनों को क्रियाविधि पर किस प्रकार से विस्तार से देखा जाता है। कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एल्कीन पर जल के माध्यम से योग होने पर
बनने वाले अल्कोहल को हमने तीन चरणों में बांटा है। चरण एक, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण से कार्बोकेटायन बनते हैं। चरण दो, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। और नंबर तीन, वी प्रोटीनीकरण अर्थात प्रोटोन का रिमूवल या विलोपन होता है, फलस्वरूप अल्कोहल बनता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही से कार्बोकेटायन का बनना ये प्रथम चरण होगा। कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक स्नेही आक्रमण द्वितीय पद होगा, जबकि बनने वाले अणु या अस्थायी माध्यमिक यौगिक से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का निकलकर अल्कोहल में बदलना तृतीय पद को संकेत करता है, इंगित करता है। कैसे होता है? तो जैसा कि हम इस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में देख पा रहे हैं, प्रथम चरण जिसमें एल्कीन पर जल का अणु योग करने आता है, तो जल के एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा यह कार्बोकेटायन में रूपांतरित हो जाता है। फलस्वरूप यहाँ पर डबल बॉन्ड या द्विबंध विघटित होकर एक हाइड्रोजन आयन और कार्बन पर धनात्मक आयन के साथ प्रस्तुत होता है, अर्थात यहाँ पर H+ आयन उपस्थित होगा। अगली क्रियाविधि में या द्वितीय पद में ये कार्बोकेटायन जल के अणु के साथ जुड़कर एक अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाता है, जबकि तृतीय एवं अंतिम पद में यह माध्यमिक यौगिक पुनः न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही के साथ जुड़कर अल्कोहल का निर्माण करता है और H+ आयन का विलोपन हो जाता है। यहाँ यह पद डीप्रोटोनीकरण कहलाती है। इस प्रकार अल्कोहल बनाने की एल्कीन पर जल योजन की क्रिया तीन पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में हाइड्रोजन आयन का योग जिससे कार्बोकेटायन का निर्माण, द्वितीय पद में न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का आक्रमण जिससे मध्यवर्ती का निर्माण, और तृतीय एवं अंतिम पद में हाइड्रोजन आयन या प्रोटोन का विलोपन होने के पश्चात एल्कोहल का निर्माण। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्रियाविधि है, जो कक्षा 12वीं में आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है और परीक्षा की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगली बात करते हैं कि एल्कीनों पर ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे भी हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें मिलता है कि डायबोरेन एल्कीनों से क्रिया करके, डायबोरेन अर्थात B2H6, इसे हम सजात मानते हैं एथीन का, क्योंकि एथेन होता है C2H6 और यहाँ पर कार्बन की जगह बोरॉन, और संख्यात्मक रूप से B2H6 समान है। एल्कीनों से क्रिया करके एक योगात्मक यौगिक बनाता है जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल देता है। तो यहाँ पर प्रोपीन या एल्कीन B2H6 के साथ संयोग करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जो पुनः प्रोपीन के एक और अणु के साथ जुड़कर एक जटिल अणु का निर्माण करता है, और तृतीय पद में भी यहाँ पर एल्कीन या प्रोपीन का एक और अणु। इस प्रकार तीन प्रोपीन के अणु परस्पर संयोग करके B2H6 के साथ B-OH-3-boric acid का विलोपन करते हैं और प्रोपेनॉल का अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल से अल्कोहल के प्राप्त करने पर हम एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा ऑक्सीकरण के पश्चात हम प्रोपेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करें इसके आगे की कि अल्कोहल के बनाने की दूसरी विधि क्या है। तो अल्कोहल को बनाने की दूसरी विधि होती है कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिकों से। देखिए बच्चों, आप और हम सब समझते हैं, जानते हैं कि जब कभी हमने कक्षा 11वीं में क्रियात्मक समूह पढ़े थे तो एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे यौगिक हैं जिसमें सी द्विबंध ओ अर्थात सी डबल बॉन्ड ओ समूह पाया जाता है, जिसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं, और जिन यौगिकों में यह समूह देखने को मिलता है उन्हें हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल यौगिकों के उदाहरण हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। तो सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में अर्थात
यहाँ पर धातु को अत्यंत चूर्ण रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उसके द्वारा किसी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करने पर क्रमशः एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देते हैं, जबकि कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। समीकरण को देखने पर महसूस होता है कि CH3, CH2, CHO यह तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड है, जिसका IUPAC नाम प्रोपेनल, साधारण नाम प्रोपिल एल्डिहाइड होता है। यह निकिल और पैलेडियम जैसी धातुओं की चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्रोपेनल या अन्य संगत एल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कीटोन, जिसमें तीन कार्बन परमाणु पाए जा रहे हैं और कार्बन के द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी यह कार्बोनिल समूह को दर्शाता है। तो कार्बोनिल समूह के हाइड्रोजन द्वारा या सोडियम बोरोन हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रोपेनॉन से प्रोपेनॉल या प्रोपेनल से प्रोपेनॉल, अर्थात संगत एल्डिहाइड संगत एल्कोहल में और संगत कीटोन अपने ही समान कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। आगे हम देखें कि यहाँ पर एल्कोहल बनाने के तरीके से और कौन से हो सकते हैं। तो यह कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा या अपचयन द्वारा सीड बंध O टूटता है, जिससे अपचयन के फलस्वरूप O बंध OH में और हाइड्रोजन अलग से पृथक हो जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा किसी कार्बोनिल समूह के यौगिकों का एल्कोहल में रूपांतरण हो रहा है। इस प्रकार एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देते हैं, जबकि कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। यदि यहाँ पर R और R अर्थात दोनों एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं और दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसे हमने R और R डैश से दर्शाया है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों के किसी अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करने पर प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहल बनाने की अन्य विधियों में आगे बढ़ने पर देखते हैं कि यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एस्टर के हाइड्रोजन द्वारा भी एल्कोहल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कीटोन और एल्डिहाइड हमने विगत स्लाइड्स में देखा, जबकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का किसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे अपचायक के द्वारा अपचयन होने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी एस्टर को जिसमें कि COO क्रियात्मक समूह पाया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार कीटोन के रूप में जब अपचयन किया जाता है तो द्वितीयक एल्कोहल RRCOH प्राप्त हो रहे हैं। और अन्य उदाहरणों में भी कीटोन द्वितीयक एल्कोहल, जबकि एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल और एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर क्रमशः प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। तो यहाँ पर नीचे दो उदाहरणों में दिखाया गया है कि एस्टर का क्रियात्मक समूह भी अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है। इस प्रकार हम देखें कि फॉर्मेल्डिहाइड एवं अन्य एल्डिहाइड किस प्रकार से किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके किस प्रकार के एल्कोहल देते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक से ली गई इन अभिक्रियाओं पर गौर कीजिए। हम देखें फॉर्मेल्डिहाइड, हम देखें अन्य प्रकार का एल्डिहाइड और हम देखें कीटोन। जब एल्डिहाइड पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की अभिक्रिया होती है तो माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसमें योगात्मक यौगिक बनता है जिसमें RCH2OMgX प्राप्त होता है, जो जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एल्कोहल देता है और साथ ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बनाता है। आप यहां पर गौर करें तो आप यह पाएंगे
कि फॉर्मेल्डिहाइड से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का योग करने पर योगात्मक यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, फलस्वरूप प्राथमिक एल्कोहल बनता है। जब कभी हम अन्य एल्डिहाइड जैसे एल्किल एल्डिहाइड में यदि हम CH3 लेते हैं तो वो एसिटाल्डिहाइड हो जाता है, CH3CH2 लेते हैं तो वो प्रोपाइलएल्डिहाइड हो जाता है। इस प्रकार से जब कभी हम किसी अन्य हैलाइड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर एक योगात्मक यौगिक बनता है जो जल अपघटन के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। जबकि कीटोन के साथ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराने पर एक माध्यमिक यौगिक बनता है जो जल अपघटन पर तृतीयक एल्कोहल देता है। इस प्रकार हम देखें तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, द्वितीयक एल्डिहाइड बनाने के लिए एसिटाल्डिहाइड और तृतीयक एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें कीटोन या एसीटोन की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात के लिए भी है कि कक्षा 12वीं में रूपांतरण में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथिल एल्डिहाइड या मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। उस परिस्थिति में हमें इन अभिक्रियाओं की मदद लेना होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से बनते हैं, एसिटाल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से द्वितीयक एल्डिहाइड बनते हैं, जबकि कीटोन या एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। डायहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की अन्य विधियों पर हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि 1% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बेयर अभिकर्मक कहलाता है, अर्थात 1% एल्कलीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। इसमें एसिटिलीन का एक अणु जल के माध्यम से बेयर अभिकर्मक द्वारा डायहाइड्रिक एल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कर देता है। यह विधि विशेष प्रकार से उपयोग में लाई जाती है जिसमें हम एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एथिलीन द्वारा यहां पर यह देखा जाए कि ऑस्मियम हाइड्रोक्साइड और पिरिडीन की उपस्थिति में भी ऑक्सीकरण करने पर डायहाइड्रिक एल्कोहल एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है, और तृतीय समीकरण के द्वारा हम देख रहे हैं कि ग्लाइऑक्सिल CH3CHOCHO अर्थात CHOCHO ग्लाइऑक्सिल के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। इस प्रकार एल्कोहल बनाने की विधि में हम ये देखें कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की विधि भी प्रयुक्त होती है। आइए हम एक और अन्य विधि पर चर्चा करें कि एल्किनो से डाइबोरेन पर, यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार विस्तार से फिर देख लेते हैं कि हम प्रोपीन पर बार बार 3 अणु की डाइबोरेन संरचना के साथ अभिक्रिया कराने पर प्रोपेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। अब अगली प्रक्रिया के रूप में हम चल रहे हैं फिनोल बनाने की विधियों पर। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका पृथक्करण सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के आरंभ में कोलतार से किया गया था। कोलतार एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें लकड़ी को धीरे धीरे जलाने पर या ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाने पर या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने पर एक द्रव के रूप में कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। वह द्रव के रूप में प्राप्त होने वाला कार्बनिक यौगिक कोलतार कहलाता है। सर्वप्रथम फिनोल का प्रादुर्भाव इसी कोलतार से माना जाता है। आजकल फिनोल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा भी होता है, अर्थात प्रयोगशालाओं में संश्लेषित किया जा सकता है। प्रयोगशाला में फिनोल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से निम्न में से किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें
सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हेलोएरीन, नंबर दो पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, और नंबर तीन डायएजोनियम लवण से। देखें तो सर्वप्रथम फिनोल को बनाने के लिए जो प्रथम विधि होती है हेलोएरीन से, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर एवं 320 वायुमंडलीय दाब पर संगलित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड की अम्ल से क्रिया कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। यहां पर क्लोरोबेंजीन का चित्र दिखाया गया है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और परिस्थितियां जिसमें तापमान 623 केल्विन है और दाब 300 वायुमंडलीय दाब है, इसके द्वारा अभिकृत करने पर क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनोक्साइड में रूपांतरित हो जाता है जो अम्ल द्वारा अभिकृत होकर फिनोल बनाता है। यह सरलतम विधि है जिससे हम फिनोल को प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे दूसरी विधि पर विचार करें। बेंजीन का ओलियम जिसका सूत्र होता है H2S2O7, आपने कक्षा 10 में सल्फ्यूरिक अम्ल और ओलियम का सूत्र पढ़ा होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लिया जाता है तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है जिसका सूत्र H2S2O7 होता है। ओलियम द्वारा बेंजीन का सल्फोनीकरण करने पर सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है और एल्कोहल में अर्थात एरोमेटिक एल्कोहल में या कह सकते हैं फिनोल में रूपांतरित हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में समीकरण के द्वारा देख पा रहे हैं। बेंजीन नाभिक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से सोडियम सल्फोनिक अम्ल बन रहा है। जो सोडियम सल्फोनिक अम्ल है यह अम्लीय माध्यम में अभिकृत होकर फिनोल बनाता है और H2SO4 पृथक हो जाता है। फिनोल बनाने की एक अन्य और तीसरी विधि है डायएजोनियम लवण से। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की अत्यंत न्यून ताप अर्थात 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डायएजोनियम लवण बनते हैं। डायएजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर अपघटित होकर फिनोल बनाते हैं। समीकरण में आप देख सकते हैं कि बेंजीन नाभिक का जब नाइट्रीकरण किया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। यह नाइट्रोबेंजीन अपचयन के द्वारा प्राथमिक एमीन या प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनाता है। यह प्राथमिक एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल की क्रिया से डायएजोनियम लवण या डायएजोनियम क्लोराइड में रूपांतरित होता है जो जल के साथ गर्म करने पर फिनोल देता है। यह क्रिया संपन्न होने पर करीब 4 पदों में संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पुस्तकों में केवल यह आधी अभिक्रिया देती है, लेकिन हम इस अभिक्रिया के माध्यम से समझ पाते हैं कि यह कौन सा तरीका है कि बेंजीन से आरंभ करके हम फिनोल को कैसे प्राप्त करेंगे। आइए हम कुछ और विषय पर चर्चा करें। औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल, मेथेनॉल यह सबसे प्रारंभिक अल्कोहल होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है। मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है क्योंकि लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता था। वर्तमान में अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप एवं दाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरण द्वारा हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। तो भाप अंगार गैस और हाइड्रोजन के संयोग से मेथेनॉल प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तकों में दर्शाया गया है। यह मेथेनॉल विशेष प्रकार के गुणों से पूर्ण है और औद्योगिक महत्व का एक उत्पाद है। मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है, अर्थात अत्यंत वाष्पशील प्रकृति का होता है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति का भी होता है क्योंकि इसके पीने पर अर्थात इसके सेवन से अंधापन भी हो सकता है और अधिक मात्रा में इससे मृत्यु भी हो जाती है। उपयोग
इस कार्बनिक यौगिक अर्थात मेथेनॉल का उपयोग पेंट एवं वार्निश के लिए विलायक के रूप में किया जाता है तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में भी मेथेनॉल का उपयोग होता है। अगला एक और एथिल अल्कोहल जिसका औद्योगिक महत्व माना जाता है वह है एथिल अल्कोहल। एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। शीरे या गन्ने के रस अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को किण्वन द्वारा अल्कोहल में रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें इन्वर्टेज और जाइमेज दो एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहल का निर्माण करते हैं और अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH तथा पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल में एथेनॉल का गुण पढ़ते हैं। एथेनॉल भी एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 351 केल्विन है। इसकी विशिष्ट अल्कोहलिक गंध होती है और जल में पूर्ण विलेय है। एथेनॉल के उपयोग में देखें तो एथेनॉल को औषधि के रूप में पेंट उद्योग में तथा अनेक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। विभिन्न पेय पदार्थों में और कार्बनिक विलायकों में भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार हम देखें कि हमने भाग तीन में जो अध्ययन किया उस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, क्रियाविधि को समीकरण लिखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, और परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहाँ पर चार प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं। विगनाड अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल, एथीन पर बेयर अभिकर्मक की क्रिया, एल्डिहाइड की उत्प्रेरकी हाइड्रोजन और डायएजोटिकरण। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने इन बिंदुओं पर ध्यान दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।